बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर दूसरे चरण की 5 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। एकाध जगह से वोट बहिष्कार की बातें भी सामने आई है। पहले चरण की तुलना में इस बार मतदान का प्रतिशत बेहतर रहा है। सभी बूथों पर मतदान कर्मी ईवीएम को सील कर रहे हैं। इसके बाद ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। इस चरण में बिहार की 5 लोकसभा क्षेत्र किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका में मतदान संपन्न कराया गया है। 6 बजे तक 5 सीटों के लिए लगभग 58% वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा कटिहार 64% वोट पड़े। वहीं सबसे कम भागलपुर में लगभग 51% लोगों ने मतदान किया है। हालांकि अभी फाइनल डाटा आना बाकी है। भागलपुर के सुल्तानगंज विधानसभा बूथ संख्या 192 पर मतदाताओं ने वोट का बहिष्कार कर दिया। वोट डालकर निकले कुछ वोटरों को ग्रामीणों ने पिटाई कर दिया। हालांकि पुलिस ने सभी वोटरों को ग्रामीणों के चुंगल से छुड़ाया। इसमें पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प भी हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने ही पिटाई की है। वहीं मतदान को लेकर बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवास ने बताया कि दूसरे चरण के चुनाव में वोटिंग कास्ट के कई कारण रहे हैं। हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट भी दिया, घरों में जाकर मतदाताओं को जागरूक किया, साथ ही बूथों पर गर्मी से बचाव के लिए व्यवस्था की गई थी। उम्मीद है कि 60% से अधिक वोटिंग का फाइनल आंकड़ा आएगा। वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए हम लोग आगे भी प्रयास करेंगे। भागलपुर में सुबह में मतदान का प्रतिशत ठीक रहा, लेकिन गर्मी की तपिश पड़ने के बाद मतदान की प्रक्रिया धीमी हो गई। भीषण गर्मी को देखते हुए लोग काफी कम संख्या में मतदान को निकल रहे थे। हालांकि जैसे जैसे गर्मी की तपिश कम हुई, दोपहर बाद लोगों का बूथ पहुंचने का आंकड़ा बढ़ने लगा। आखिरी की 2 घंटे में लोग बूथ पर पहुंचे और अपने मत का प्रयोग किया। सुबह सुबह अपने मत का प्रयोग करने वालों में भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल रही, जिन्होंने मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मत का प्रयोग किया और लोगों से भी मतदान करने की अपील की। मैं भागलपुर लोकसभा क्षेत्र की पूरी जनता से अपील करना चाहूंगी कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें, और ये पर्व जो है हर 5 साल में आता है, तो हम लोगों को सही जनप्रतिनिधि चुन करके भेजना है सेंट्रल में, ताकि आपकी बातों को मजबूती से वो रख सकें। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि बहुत संघर्ष के बाद ये मौका आपको मिला है, इसको जाया ना होने दें और अवश्य जाके वोट डालें। वहीं भागलपुर की जिलाधिकारी डॉक्टर नवलेश्वर चौधरी भी अपने बूथ पर पहुंची और अपने मत का प्रयोग किया, और मतदान करने के बाद जिलाधिकारी ने कहा कि भागलपुर में पूरी मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। साथ ही लोगों से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील भी की। वहीं भागलपुर के पूर्व डिप्टी मेयर और लोजपा आर से खगड़िया के उम्मीदवार राजेश वर्मा अपने पूरे परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे और मतदान कार्य में हिस्सा लिया। हम लोग सब लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं और ये महापर्व है, इस महापर्व में सबको अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। और हर एक मैं भागलपुर लोकसभा क्षेत्र के हमारे सभी अभिभावकों से, नौजवान साथियों से, माताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप भी अपना मतदान करें, और ये भी एक तरह की देश सेवा है, क्योंकि सही प्रतिनिधित्व को चुनना ये बहुत ज़रूरी है। किस मुद्दे के साथ आखिर आपने जो वोट डाला, तो कहते हैं कि वोट डालने के पीछे कुछ न कुछ एक मकसद भी होता है, किस मुद्दे के साथ आपने वोट डाला? एक दो ही मुद्दे अपने आप में सारी चीज़ों का स्पष्ट कर देते हैं। पहला मुद्दा ये कि देश के नेतृत्व को तय करने का चुनाव है, लोकसभा चुनाव, तो यहाँ पर NDA के पास ही नेतृत्वकर्ता कौन है यह स्पष्ट है। बाकी महागठबंधन के पास अभी तक यह स्पष्टता आई नहीं है कि कौन नेतृत्व करेगा। तो स्वाभाविक है, जहाँ पर अस्पष्टता है, जहाँ पर विश्वास का मजबूत आधार है, जहाँ विजन है, जहाँ नीति है, नीयत है, उसको ही हम लोगों ने मतदान किया। हालांकि इस बार भागलपुर में लोगों के मतदान के प्रति उत्साह सामान्य दिखा, फिर भी कई दिव्यांग और बुजुर्ग वोटर अपने जोश को बनाते हुए मतदान करते दिखे। वोटिंग में महिलाओं का प्रतिशत अच्छा देखने को मिला। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में भागलपुर लोकसभा में चुनाव सम्पन्न हो चुका है, और चुनाव सम्पन्न होने के बाद भागलपुर के जिला निर्वाची पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सीधे पहले आपको वो सुनाते हैं। आज भागलपुर में मतदान काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, और जो हमारा वोटिंग का प्रतिशत है ये 51% से अधिक है। अभी हम लोग गणना कर रहे हैं और फाइनल रिपोर्ट जब पूरी गणना हो जाएगी उसके बाद फिर आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। साथ ही इस मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए भागलपुर पुलिस जिला में 43 लोगों को एवं नवगछिया पुलिस जिला में कुल 56 लोगों को डिटेन किया गया है, और फिर उन्हें बॉन्ड पे उन्हें छोड़ा जाएगा। और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से सभी इलाकों में मतदान रहा। थैंक यू। रेशियो 51% से अधिक हमारा PTR है, और जो पूरी गणना है वो सारा रिपोर्ट कंपाइल करने के बाद ही हम अवगत करा सकते हैं। काफ़ी मेहनत कहाँ लगता है, कम परसेंटेज पहले से ज़्यादा?
आप बिल्कुल सभी लोगों का प्रयास काफ़ी बेहतरीन था, आप सभी लोग अवगत हैं क्योंकि रूबरू हुए हैं इन प्रयास में, आप सभी हमारे साथी रहे हैं। एक गर्मी और हम देख रहे हैं कि एवरेज अन्य जिलों का भी हमने प्रतिशत देखा है तो अन्य जिलों में भी प्रतिशत गिरा है, हो सकता है गर्मी एक कारण हो, विशेष ये सर्वे के उपरांत ही पता चल सकता है कि मूल का क्या कारण था। लेकिन मैं उन वोटर्स को धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने वोट किया है और लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभाई है, उन सभी वोटर को मैं धन्यवाद देता हूँ। आपको अवगत करा दें कि करीब 90% पर्ची हम लोगों ने बांटा था, तो उस हिसाब से कम 90% लोगों को वोट करना चाहिए था, और जिनको पर्ची नहीं मिला था उनके लिए भी हमने पहले भी कहा था कि वो वोट कर सकते हैं। पर्ची जस्ट एक ही चीज़ आपको सहूलियत देता है कि आपका मतदाता सूची में क्रमांक कितना है, बस यही सहूलियत देता है, और वो बताने के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप भी था जो हमने ब्रीफ किया था। दूसरा कि हमारे पोलिंग पर्सनल वन के पास जो इलेक्शन कमीशन ने इस बार बहुत अच्छा हम लोगों को निर्देश दिया था कि जो वोटर लिस्ट है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में था, जैसे किसी का नाम उमा शंकर है और उमेश है तो उमा शंकर में UMA है और उमेश में UME है, तो उमेश नाम बाद में उस वोटर लिस्ट में मिलता, उमा शंकर नाम पहले मिलता। इस टाइप की सुविधा थी कि हमारे पोलिंग पर्सनल वन के पास वो वोटर लिस्ट था कि कोई व्यक्ति जाए तो उसको हम लोग सर्च करके तुरंत बता दें कि आपका क्रमांक संख्या कितना है और वो वोट कर लें, तो इस उसके कारण से कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। सर वोट का कहीं बहिष्कार भी हुआ है जो बात आई तो? कई जगहों पे ऐसी बात थी, लेकिन हमारे प्रशासन के विभिन्न पदाधिकारियों ने उसको हैंडल किया। एक जगह से मैं भी लास्ट तक बात करता रहा, हमारे अधिकारी भी गए, लोग जो है लोगों ने बात नहीं माना है। देखिए इस बार का जो वोटर लिस्ट प्योरीफाई हुआ था उसमें दो तीन चीज़ों पर ध्यान दिया गया था। पहला, उसको ASD बोलते हैं, यदि कोई ऐसा वोटर जो कि डेड है, ऐसा कोई वोटर जो यहाँ से शिफ्ट करके कहीं बाहर चले गए, ऐसा कोई वोटर जो बहुत दिनों लंबे समय से उस जगह पे नहीं रह रहे हैं, उसका सर्वे किया गया था और उस सर्वे काफ़ी लंबे समय तक चला, और जो स्पेशल समरी डिवीजन था उसमें अधिकारी लोग लग करके एक एक बूथ का सर्वे किया था, उसमें कई लोगों का इकट्ठा होगा। कई ऐसे भी वोटर होते हैं जो एक से अधिक जगह पर उनका नाम होता है, आज यहाँ है कल कहीं किसी और ज़िले में है और बाद में किसी और ज़िले में, हो सकता है उनसे डेटा वेरिफिकेशन के समय में उनसे बोला गया होगा और कोई IPR नहीं हुए होंगे तो उनका नाम डिलीट हो गया होगा। लेकिन ऐसा केसेस मेरे समय में हमने तो पॉलिटिकल पार्टीज के जो प्रतिनिधि थे उनके साथ कई बार बैठकें की, शुरू में उन लोगों ने कभी किसी ने संज्ञान में नहीं लाया, लेकिन अभी आप संज्ञान में ला रहे हैं। यदि कोई ऐसे व्यक्ति हैं तो जैसे ही हमारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट समाप्त होता है और कमीशन अलाउ करेंगे कि उन लोगों का नाम जोड़ने का, उस प्रक्रिया में फिर हम लोग उसको जोड़ेंगे। तो अभी आपने सुना कि भागलपुर के जिला निर्वाची पदाधिकारी डॉक्टर निर्मल किशोर चौधरी ने क्या कुछ कहा है भागलपुर लोकसभा चुनाव को लेकर के। चुनाव में अगर प्रतिशत की बात करें तो अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं उनमें 51% से थोड़ा अधिक, अभी जो आंकड़ा आया है हमारे पास ऑफिशियल उसमें 51% से थोड़ा अधिक मतदान का जो ये है वो आंकड़ा आया है। उसके बाद अगर हम बात कर लें कि जिन जगहों पे वोट का बहिष्कार किया, कुछ ऐसे जगह से वोट बहिष्कार की सूचना आई थी तो कई जगह उसके बाद फिर लोगों ने बात प्रशासन की बात को माना है और फिर वहाँ वोट सुचारू रूप से शुरू हुआ। लेकिन गोपालपुर विधानसभा में एक जगह से वोट का बहिष्कार लोगों ने किया है, जिला निर्वाची पदाधिकारी ने कहा कि वहाँ इनकी लगातार बात हुई, मनाने की कोशिश हुई लोगों की, लेकिन लोग नहीं माने, तो इसलिए गोपालपुर विधानसभा में एक जगह जो लोग उन्होंने वोट का बहिष्कार किया। कई जगह को सुरक्षा को देखते हुए डिटेन किया गया, नौगछिया में और भागलपुर में 46 लोगों को नौगछिया में और 56 लोगों को भागलपुर में, जिसे बाद में बॉन्ड भराकर छोड़ा जा रहा है। उसके साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे तो जो मतों का प्रतिशत है वो काफ़ी जो गिरने की बात आई है सामने में कि पिछली बार की तुलना में भी इस बार थोड़ा कम मतदान हुआ, उसके पीछे की एक वजह ये जरूर कही जा सकती है कि जिला प्रशासन ने जितनी तैयारियाँ थी, जितनी कोशिशें थी, वो तमाम कोशिशें इस बार की हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भागलपुर हारा है इसमें। क्योंकि अगर हम अपने मतदान का, अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं तो आप जिस प्रत्याशी को चुनना चाहते हैं, आप जिस तरह का विकास चाहते हैं, वो शायद कहीं ना
कहीं उसमें बाधक बन सकती है। तो इस लिहाज से भागलपुर कहीं ना कहीं हारा है और एक बड़ा सवाल फिर से उभरा है कि आखिर क्यों 49% के लगभग लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। और इस बात को सोचने की और इस पर रिसर्च करने की आवश्यकता है कि क्या ऐसे कारण हैं कि लोग इतने मतदान करने से दूर हो रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को हमने देखा और जहां तक सबसे अधिक मतदान करने की बात है तो गोपालपुर विधानसभा में सबसे ज़्यादा मतों का प्रतिशत हुआ। वैसे अभी फाइनल आंकड़ा आना शेष है क्योंकि अभी तमाम जगह कुछ जगह जो बहुत लेट तक लाइन लगी हुई थी तो वहां जो मतदान हो रहा था तो उसके आंकड़े भी नहीं आए हैं जो बाद में अपडेट किया जाएगा। हम तमाम पल पल की जानकारी आपको सुबह से दे रहे हैं टीवी अंग प्रदेश पर कि कहाँ किस तरह से कैसे मतदान सुचारू रूप से चल रहा है। छिटपुट घटनाएँ हुई हैं लेकिन उसके अलावा कहीं कोई बड़ी घटना नहीं, बिल्कुल शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हो गया है। एक जगह केवल वोट का बहिष्कार हुआ लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि इतनी तमाम कोशिशों के बाद जिला प्रशासन और खास करके भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बहुत कोशिश की इस बार की मतों का जो प्रतिशत है उसे बढ़ाया जाए लेकिन मतों का प्रतिशत 91% से थोड़ा अधिक अभी आया है। तो जो कमी या जो गिरावट आई है एक बड़ा सवाल है भागलपुर के लोगों के लिए और तमाम मतदाताओं के लिए भी और प्रशासनिक महकमे के लिए और जो चुनाव में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके लिए भी कि आखिर मतों का ये प्रतिशत कम क्यों रहा है, लोगों का उत्साह क्यों कम हो रहा है। इन तमाम चीज़ों को जानने की आवश्यकता है और टीवी अंग प्रदेश भी एक सवाल छोड़ रहा है कि आखिर लोग अपने वोट का अपने मताधिकार का प्रयोग करने से क्यों हिचक रहे हैं, कारण क्या है, वजह क्या है, इसको ढूंढना बहुत जरूरी है। और भारत निर्वाचन आयोग भी हमें लगता है कि इस पर जरूर संज्ञान लेगी कि आखिर लोग क्यों मतदान से दूर हो रहे हैं। बहरहाल भागलपुर लोकसभा से हम एक बार फिर से आपको बता दें कि अभी अभी भागलपुर जिलाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर ये बताया है कि चुनाव शांतिपूर्ण बिल्कुल संपन्न हो गया है और अब स्ट्रांग रूम में जो ईवीएम को सील करने की बात है वो वहाँ पर प्रक्रिया चल रही है और आंकड़े अभी अंतिम नहीं आए हैं लेकिन 51% से थोड़ा सा अधिक मतदान भागलपुर लोकसभा में हुआ है जिनसे अब जो प्रत्याशी हैं उनके किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ मिलिंद गुंजन, टीवी अंग प्रदेश, भागलपुर। भागलपुर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता अश्वनी कुमार चौबे ने दूसरे चरण में हो रहे लोकसभा चुनाव में अपने मत का प्रयोग किया। उन्होंने दुर्गाचरण हाई स्कूल में जाकर अपने परिवार संग वोट किया। अश्वनी चौबे दुर्गाचरण हाई स्कूल पहुंचे जहां उन्होंने मतदान की सारी प्रक्रिया को पूरी कर अपना मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सभी को अपना मत का प्रयोग करना चाहिए, देश के निर्माण में अपनी हिस्सेदारी निभानी चाहिए। उन्होंने बताया कि बिहार में 40 और देश भर में 400 से अधिक सीटों पर बीजेपी की जीत होगी। टिकट नहीं मिलने की नाराजगी पर जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि इससे मुझे कोई एतराज नहीं है, कल भी मैं लोगों की सेवा कर रहा था और आज भी कर रहा हूं और आगे भी टिकट मिले ना मिले फिर भी करता रहूंगा, मेरे लिए स्वाभिमान से बढ़कर टिकट नहीं हो सकता। तुमने बनाया? अरे तुम्हारे बाबूजी ने तो अलकतरा घोटाला किया था रोड का, बोलना चाहते हो कितना खुलवाओगे? मोदी जी ने इस बिहार के लिए, मोदी जी का वो पक्का, नरेंद्र मोदी पहला बिहारी है जिसने 2012 में और बिहार दिवस गुजरात के अंदर मनाया, पहला मुख्यमंत्री थे और मैं उस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि था और नरेंद्र भाई ने वो अध्यक्षता, ये वहाँ के कार्यक्रम हुए थे। आप क्या कहते हो बिहार के बारे में? उनके दिल में बिहार का छठ पर्व का हो या बिहार के अंदर बिहार के गौरव को बढ़ाने का हो, आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार को ले जाने का अगर संकल्प है तो वो नरेंद्र भाई मोदी का। परिवारवाद पर भी उन्होंने काफी उठा रखा, परिवारवाद, वंशवाद, ये भ्रष्टाचार, ये तमाम तत्वों को, ये सभी तत्वों को हटाना, परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचारियों को, जो जेपी आंदोलन में लोकनायक जयप्रकाश नारायण, इसी 8 अप्रैल 1974 को आज से 50 वर्ष ठीक पहले मैंने उस दिन आके माल्यार्पण किया और मैं जेपी आंदोलन का जो स्वर्ण जयंती समारोह मना रहे 25 जून को दिल्ली के अंदर, हम सबको जुटा रहे, पूरे आंदोलन के विक्टिम्स जितने 74 आंदोलन, जन आंदोलन और सभी 75 के आपातकाल के विक्टिम, और उसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति सबको, राज्यपाल सबको निमंत्रण भी भेज रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज कहीं ना कहीं ग्राफ जो है 2019 के मुकाबले अभी जो देखिए, वोटिंग परसेंटेज कुछ गर्मी बहुत ज़्यादा है जी और उसके कारण कुछ इफेक्टिव जितना मतलब कहा जाए उसके कारण परेशानियाँ हो रही लोगों को, लेकिन घरों से लोग निकले हैं, ये अपील भी है, कार्यकर्ता लगे हुए हैं, सभी दल के लोग अपने अपने कार्यकर्ता के माध्यम से घर से निकालने का प्रयास तो कर रहे हैं। अब जनता यहाँ आएगी, मुझे लगता है शाम तक मतदान और भी अच्छा होगा और मतदान काफ़ी आगे बढ़ेगा।
अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, एबी मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। आम निर्वाचन 2024 को लेकर भागलपुर में महागठबंधन प्रत्याशी अजीत शर्मा, अपनी पत्नी विभा शर्मा और बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा शर्मा के साथ वोट डालने भागलपुर के कृषि विभाग में पहुंचे, जहां उन्होंने मतदान किया। एक तरफ जहां अभिनेत्री नेहा शर्मा ने अपने पिता के लिए जीत सुनिश्चित होने की बात कही, वहीं अजीत शर्मा ने कहा जनता सब कुछ जानती है और रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आएगा। वहीं नेहा शर्मा की मां विभा शर्मा ने कहा रिजल्ट जनता बताएगी। कि अगर हमें ग्रोथ देखना है, अगर हमें चेंज चाहिए, जो सबको चाहिए, तो प्लीज बाहर निकलिए, वोट करिए, बहुत जरूरी है। यही कहूंगी कि बहुत सारा विकास हो रहा है, काम अच्छा हो, हवाई जहाज सेवा शुरू हो, एक कोई अच्छी फैक्ट्री लगे जिसमें रोजगार मिले। जीत सुनिश्चित लग रही है, इसके बारे में जनता बताए, जनता बताएगी, जनता गाँव से आई और वोट करेंगे, वोट नहीं करेंगे फिर विकास वंचित हो जाएगा। इसलिए हम देख रहे हैं कि भीड़ बहुत कम है, हम चाहते हैं कि घर से निकलें और विकास के लिए वोट करें। जिस तरह से मैं घूम रहा था क्षेत्रों में भ्रमण के दौरान, जब हम वोट मांग रहे थे तो बहुत उत्साह था, ये काम नहीं हुआ, लेकिन फिर से काम आप कीजिएगा, आइएगा, सब लोग हमको अपेक्षाएं मुझसे है, लेकिन हम आपके माध्यम से आग्रह करेंगे मतदाताओं से, आइए वोट करिए, जब तक वोट नहीं करेगा तब तक आपकी जीत नहीं होगी, विकास की जीत नहीं होगी, आइए। और क्या कारण लग रहा है प्रथम दृष्टया की बीएलओ ने पर्ची बांटा था, पर्ची सही ढंग से बटा नहीं, फिर भी मैं आग्रह कर रहा हूँ मतदाताओं से आपके माध्यम से, आइए, यहाँ बीएलओ बैठा है, नहीं बांटा है वो तो हम देख लेंगे, बाद में निर्वाचन पदाधिकारी से बात करेंगे, जिला पदाधिकारी जिला प्रशासन से बात करेंगे, लेकिन यह बीएलओ को बांटना चाहिए, घर घर में यही नियम है, बांटा नहीं है, इसलिए लोग समझते कहाँ खोजेंगे, इसलिए मैं मतदाताओं से अपील करता हूँ, आइए यहाँ बीएलओ बैठे हर बूथ पर और आपको जो क्रमांक है वो मिलेगा और आप वोट करें। क्या लगता है ये तो सर मैं बताऊंगा फील्ड में, अभी तो शुरुआत है, 2 घंटे ही बीते हैं, मैं भी देख के जा रहा हूँ, अभी सभी बूथ पर घूमूंगा, क्या प्रशासन की तैयारी है, क्या मैं देखता हूँ मतदाताओं के लिए क्या वो कर रहे हैं, क्या बीएलओ बैठा है कि नहीं, वो मैं देखने के बाद आपको सब बता सकता हूँ। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने एवं भागलपुर में 100% मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल सोर चौधरी द्वारा भागलपुर के 3 मतदान केंद्रों को हरित मतदान केंद्र बनाया गया, जिसमें मतदान केंद्र संख्या 41, 47 और 85 है। वहीं जिलाधिकारी ने सभी हरित बूथों पर जाकर मतदाताओं को पौधा देकर प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा यह कॉन्सेप्ट पर्यावरण संतुलन के लिए रखा गया है, पर्यावरण संतुलन के लिए हरित क्षेत्र में वृद्धि करना आवश्यक है,
निरंतर बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए हम सबों को अधिक से अधिक पौधे लगाने की जरूरत है। मतदान तिथि के अवसर पर आज मतदाताओं को हरित क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए जिलाधिकारी ने सभी मतदाताओं को पौधा देकर प्रोत्साहित किया। वहीं जिलाधिकारी ने मतदान कार्य शांतिपूर्ण चलने की बात कही। इस तरीके से पर्ची बांटा गया है, अभी आप लाइन में देख रहे हो कि कई लोग हैं जो पर्ची ले करके आए हैं। पहले असुविधाएं होती थी, लेकिन हम लोगों ने पर्ची बांटा है और हमने अपने मशीनरी को ट्रेंड किया है कि हमारी मशीनरी जितनी फास्ट वोटिंग करा सके वो वोटिंग कराएं, ताकि हमारे आम लोगों को, आम वोटर को लाइन में लंबे समय तक खड़े रहने की ज़रूरत नहीं पड़े और लोग अच्छे से मतदान कर सकें। आप सभी जानते हैं कि जल जीवन के लिए हम लोगों के लिए पौधा बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम सभी लोगों से आग्रह ये करते हैं कि अपने नाम पे, अपने पुरखों के नाम पे एक एक पौधा वो ज़रूर लगाएं। अभी तो जस्ट उन्हें पौधा दिया जा रहा है कि जाके कहीं प्लांट करें पौधा, ताकि कम से कम एक एक वृक्ष को हम नया जन्म, एक वृक्ष को हम सस्टेन कर सकें, यही कहेंगे। मतदान कैसा चल रहा है? मतदान काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है।